हेलो दोस्तों छात्रगण, कैसे आप लोग? झारखंड के छात्र और भाई बहन के जोहार। एक बार फिर खोरठा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि खोरठा के जन्म और ओकर विशेषता का है, क्या क्या है ओकर में। हम कहले हल, हम बोले थे कि एकर लिपि अपन कोनो ना है, इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। एकर लिपि हिंदी लखे देवनागरी ही है, मकीन कुछ वर्ण के छोड़ के, कुछ वर्णों को छोड़कर तो इनके याद होते है। आप लोग को याद होगा कि अंगा ली त्र मूर्धन्ना वाला ना तरबिशा छा त्रा के प्रयोग खोरठा में ना हुए हैं, नहीं मिलता है। मानिक हम कह सके ही कि संयुक्त स्वर जैसे छ त्र ज्ञा के प्रयोग खोरठा में ना हुए हैं। और ऐसा शब्द भी मिले हैं जेकर औजी दोसर शब्द के प्रयोग भेटा है। जैसे हम पहली क्लास में बताए थे कि जखन हिंदी में लिखल जाए योजना, ओकरा खोरठा में लिखल जाए योजना। योजना के क्या योजना, योजना को योजना। हम ये भी बताए थे कि अगर या बीच में है, मध्य में है, तो वह आ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सियार नहीं सियार। और जखन ई या कोनो शब्द के शेष में लगे हैं तखनो आ या आ में बदल जाए। जैसे दिया ना दिया। हम यूं कह ले हैं, हम यहां भी कह रहे हैं औ आ आर ऊ में बदल जाए। औरत नहीं औरत, आ ऊ रता। औजार नहीं आ ऊ जरा औजार। वह नियर गोटे झारखंड के मध्य स्वर उ आर ई, उ आर ई के प्रयोग खूब बेटा है। जैसे चल नहीं चैल। जैसे खाइब, पढ़ नहीं पढ़ ई, साधु नहीं सौध, मधु नहीं मौध। बीच में क्या मिला उ। कुछ और विशेषता है जेकरा ई नियर देखल जाए पारे, जिसको इस प्रकार देखा जा सकता है। गोटे झारखंड ला रा में और रा ला में बदल जाए। ला रा में और रा ला में चेंज हो जाता है। जैसे जैसे मंदिर, ये सही वर्ड है लेकिन खोरठाएं एकरा लिखल जाए और पढ़ल जाए कहां जाए मंदिर, मंदिर जा रहे हैं। मतलब रा किसमें ला में। जैसे कोई व्यक्ति कोई बेकैत बिहाने बिहाने खेत जा लगल है हल जोतने,
हल। तो कोई पूछता है गांव का व्यक्ति कहां जाती, तब बोलता है व्यक्ति वो हर जोतेल, हल नहीं हर जोतेल। ई पैटर से बिठा है, ई पैटर से देखल जा सके है कि मंदिर मंदिर में और हल हर में, रा के औजी ला आ गले और ला के औजी रा आ गले। यो ऐसा पटतर भी विशेषता भी गोटे झारखंड में देखल जाए और वह नियर उकरा लिखल भी जाए। छात्रगण भाई बहन, एकर अलावे इसके अलावे और भी विशेषता देखल जाए जेकरा शब्दगत और रूपगत विशेषता भी कहल जाए। जैसे प्रकृति से आवल शब्द, प्रकृति से आया शब्द, जैसे सरसर, जैसे टप टप, जैसे दह दह। देखिए मैं क्या लिखा हूं, दह दह, जैसे आप लिख सकते हैं टस टस। ई सरसर टप टप दह दह टस टस हद हद, इस शब्द प्रकृति से आवल शब्द है। ऐसन शब्द के पैटर गोटे झारखंड में खूब भेटा है। जैसे हवा बहु है सरसर, महुआ गिरो है टप टप, पनिया बहु है दह दह, गोड़ा पीरा है टस टस। मकीन एक ई शब्द के उलट के, इसको उलट का भी प्रयोग होती है। जैसे सरसर के जगह में रसरस, आमा के रसवा गिरो है रसरस। देखिए चेंज हो गया, टप टप महुआ गिरो है टप टप, लेकिन यह भी होता है कि महुआ गिरो है पट पट, पलट गया। दह दह तो बोलता है हद हद, पनिया हद हद बहु है। टस टस तो सट सट, मतलब शब्दगत विशेषता भी गोटे झारखंड में खूब बटा है और शब्दगत विशेषता भी खोरठा में खूब पावल जाए। वे नियर गोटे झारखंड में और भी शब्द है जेकर पटतर खूब दिखा रहे हैं, खूब दिखता है। जैसे गोटे झारखंड में ध्वनिगत विशेषता, शब्दगत और रूपगत विशेषता भी देखल जाए, देखी जाती है। जेकर में कोनो शब्द के शेष, किसी शब्द के अंत में प्रत्यय के जोड़ जोड़ के, प्रत्यय को जोड़ जोड़ के शब्द बनाई जाती है और उस शब्द की विशेषता उसकी तीव्रता को तेजी को दर्शाती है। जैसे कर, कर हम इस पर आ रहे हैं, यहां जोड़ दिए ता तो क्या हो गया, करत, कोई काम करत। अब यहां लिखेंगे करता, जोड़ दीजिए ला, तो हो गया हमारा क्या, करतला। ये भी शब्द है करतल। अब जैसे करतला, यहां जोड़ दीजिए आप लोग ई, तो कहा बोले ये लिखे थे करतला ई, कहा करतल ई, देखिए करत का करत, अरे का करतल, अरे का करतल ई। वर्ड में देखिए प्रत्यय जोड़ जोड़ के
शब्द बनावे के परंपरा गोटे झारखंड में खोरठाए में खूब मिलो है। जैसे क र त ल इ जोड़ना तो का होते क र त ल इ न का करता लाइन हिया हम देख सके ही कि कोनो शब्द के से प्रत्यय जोड़ जोड़ के शब्द बनावे परंपरा गोटे झारखंड खोरठाए में खूब मिले हैं जिकरा रूपगत विशेषता कहल जाए। छात्रगण भाई बहन हम देख सके ही कि खोरठा के विशेषता में तीन विशेषता खूब देखा है। एक विशेषता है ध्वनिगत, कौन कौन ध्वनि को छोड़ी जाएगी किसको जोड़ी जाएगी। शब्दगत वही प्रकृति से आवल शब्द सरस रसरस टसटस पटपट दद। और एक है रूपगत विशेषता माने प्रत्यय जोड़ जोड़ के शब्द बनावल जाए। अब हम एक खाइस खाइस माने हुए खास। अब हम खोरठा के एगो खाइस प्रकार के खाइस प्रकार के ये लिखल जाए है प्रकार। ई नियर देख सके ही हम खोरसा खोरठा का एक प्रकार इस रूप में देख सकते हैं। जैसे हम बोलने ही कि गोटे झारखंड 34,000 वर्ग किलोमीटर में ई खोरठा बोलल और बजकल जाहे। 1.5 से 2 करोड़ लोगों की भाषा है जिकरा सदानी भाषा कहल जाहे। इतना लाम चाकर क्षेत्र मतलब इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र में निश्चित तौर पे वहां के उस स्थानीय का उस क्षेत्र के संस्कृति के प्रभाव खोरठा में देखल जाए। माने जे खोरठा हिया बोलल जाए उकरा अखन तक अभी तक कोई मानक ना है, कोई मानक नहीं है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। सही लेल सही लेल इसलिए खोरठा के जे भाषा है जो लिखे के अपन परंपरा है ओकर क्षेत्र विशेषता के कारण फरक फरक जगह अलग अलग जगह अलग अलग रूप में लिखल जाहे बोलल जाहे। ऐसन में ऐसे में खोरठा गोटे झारखंड खोरठा गोटे झारखंड 5 खांडा में बांटल जाहे, 5 खंडों में बांटी जाती है। वह 5 खांडा है सिखिरिया खोरठा, गोलवारी खोरठा, देसवाली खोरठा, परनदिया खोरठा और संथाल परगनिया खोरठा। इस खोरठा के 5 प्रकार विशेषता है। हम हिया देखबै हम यहां देखेंगे कि कौन खोरठा कहां बोलल और बजकल जाए और ओकर में केकर विशेषता पावल जाए। जैसे हम सबसे पहले आ रहे हैं सिखिरिया खोरठा पर। सिखिरिया इस पर आ रहे हैं गोला से शुरू भई के बंगाल के सियाड़ी तक। सी आ डी मतलब बंगाल की सीमा तक, मतलब गोला से
बंगाल की सीमा तक जे खोरठा बोलल जाहे ओकरा सिखिरिया खोरठा कहल जाहे। देखिए मैं बोल रहा हूं बंगाल के सीमा तक, बंगाल की सीमा तक जो खोरठा बोली जाती है ओकरा सिखिरिया खोरठा कहल जाहे। ई खोरठा में बंगला प्रभाव के कर, देखिए मैं लिखा हूं बांग्ला, बांग्ला मतलब बांग्ला के, बांग्ला प्रभाव, बांग्ला प्रभाव दिखल जाए। कौन खोटा? सिखिरिया, जेकर बोली में बांग्ला आ जाए, जैसे जौल मतलब पानी, बाप बाबा, जैसे छोगर वही छगरी बकरी, हुआ सुपट रूपे अस्पष्ट रूप से बांग्ला प्रभाव देखल जाहे। कौन खोटा? सिखिरिया खोटा। हम कहे ही गुलवारी, गोला और रामगढ़, गोला और रामगढ़ क्षेत्र में जे खोरठा बोलल जाहे ओकरा गोलवारी खोरठा कहल जाहे। गोला और गोटे रामगढ़ में जे खोरठा बोलल जाहे ओकरा गोलवारी खोरठा कहल जाहे। उ खोरठाएं कुरमलिया कुरमाली के प्रभाव सुपट रूपे दिखा है। देखिए मैं बोल रहा हूं सुपट, सुपटा मतलब स्पष्ट रूप से दिखता है। आर गोलवारी खोरठा में टा और ना शब्द के प्रयोग खूब बेटा है। जैसे दो आदमी मिलेगा तो बोलेगा किटा जाही कीना जाही, तो किटा या उना रख दी है, किटा जाही उना रखल है, तो उस शब्द के अंत में टा और ना, किटा जाही कीना जाही, तो टा और ना ये कुरमाली प्रभाव है। और रामगढ़ क्षेत्र में किटा किना के शब्द का प्रयोग खूब होती है। सही लेल हम कह सके ही कि कुरमाली खोरठा या कुरमलिया प्रभाव कौन खोरठाए में देखल जा सके है, तो उकर उत्तर होते गोलवारी खोरठा। कौन खोरठा? गोलवारी। वह नियर हम आवे ही देशवाली, पतरातू से लेके, पतरातू से लेकर पलामू तक जे खोरठा बोलल जाहे ओकरा देशवाली खोरठा कहल जाहे। माने पतरातू से लेके पलामू तक जे खोरठा बोलल जाहे ओकरा देशवाली खोरठा कहल जाहे। जेकर में मगहिक प्रभाव खूब देखल जाहे ओकर में हाम, हाम शब्द के प्रयोग खूब होवे है। हाम खाद करो हिये, हाम जायब करो हिये, हाम पहर करो हिये, तो हाम शब्द के प्रयोग कौन खोरठा में देखल जाहे, तो देश वाली। और अगर ई प्रश्न आ जाए, ई प्रश्न पूछा जाए कि देशवाली खोरठा के क्षेत्र कौन है, तो ओकर उत्तर होते पतरातू से लेके पलामू तक। कौन खोरठा? देशवाली। ओकर में केकर प्रभाव देखल जाए, तो मगही के, मतलब सिखिरिया में बांग्ला प्रभाव, गोलवारी में कुरमलिया प्रभाव, देशवाली में मगही प्रभाव देखल जाए। अब हम आवे ही पर नदिया खोरठा। अखन तक हम जो भी देखे
वो दामोदर नदी से उधर किधर दक्षिण की ओर देखे थे, दामोदर नदी से उतरे मतलब मांडू, बरही, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा में जे खोरठा बोलल जाहे, बजकल जाहे, ओकरा पर नदिया खोरठा कहल जाहे। पर नदिया मतलब नदिया के पार, कौन नदिया? दामोदर नदिया। ई खोरठा है वो आकार और आ आकार के वर्णन के प्रयोग खूब हुए हैं। ओकरा ओकरा बोला वो आर संज्ञा में आ के वर्णन खूब बेटा है। जैसे जैसे सब बोलेगा का खाई थी तो नहीं बोलेगा भात खाई थी, भाता खाई थी, भाता भात नहीं बोला, क्या बोला? भाता। का जोते थी खेता, खेता बोला, भाता। ई का हो तो मेरा पेट नहीं, पेटा। तो पेटा, भाता, खेता, ई आ और ओ शब्द की विशेषता कौन खोरठा में देखल जाए तो ओकर उत्तर होते पर नदिया खोरठा। कौन खोरठा? पर नदिया। वे नियर एक खोरठा है जे संथाल परगना में खूब बोलल और बजकल जाए। संथाल परगना देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ के क्षेत्र में जे खोरठा बोलल और बजकल जाए ओकरा संथाल परगनिया खोरठा कहल जाए। आर ई खोरठाएं और इस खोरठा में मैथिली, मैथिली के प्रभाव खूब देखल जाए। इस खोरठा में मैथिली का प्रभाव खूब देखा जाता है। जैसे ऊ खाई छई, छई कहाँ है मैथिली में? मैथिली में हर शब्द के अंत में ऊ छई बोलेगा, ऊ खाई छई, ऊ जाई छई, ऊ पढ़ो छई। एकर प्रभाव के कारण, इसके प्रभाव के कारण संथाल परगनिया खोरठा में बोला जाए ऊ खाई हाई, हाई बोला तो छई हाई प्रभाव है। ऊ खा है, ऊ जा है, ऊ पढ़ो है, वहां बोलेगा ऊ जा छई, खड़ो खा छई, पढ़ो छई, वहां छई बोला, यहां हाई बोला। तो यहां प्रभाव सुपट रूपे देखल जाए। मानिक संथाल परगनिया जो खोरठा है ओकर में सुपट रूपे स्पष्ट रूप से मैथिली के प्रभाव देखल जाए। इनियर इस प्रकार गोटे झारखंड में जो खोरठा है ओकर ओकरा पांच खाना में सुपर रूपे बांटल जा सके है, सिखिरिया, गोलवारी, देसवाली, परनदिया और संथाल परगनिया। इनियर इस प्रकार हम देख सकते हैं कि खोरठा के जन्म और ओकर विशेषता की नियर है, कैसे भेल होते और खोरठा के लिखे के का नियम है, केकरा जोड़ल जाए, केकरा घटावल जाए, केकर औजी का आवे है, केकर औजी का जोड़ल जाए, कौन कौन खोरठा के कौन कौन विशेषता है,
रूपगत विशेषता का है, शब्दगत विशेषता का है। ई पढ़ के बादे, ई पढ़ने के बाद ही खोरठा लिखे में और बोले में बड़ी आसान हो जाए। मकिन लेकिन अगर तोहिन, अगर आप लोग खोरठा के जन्म विशेषता ना जाने हैं, अगर नहीं जानते हैं, तखन उस समय आपको खोरठा लिखने में बोलने में कठिनाई होगी। सही लेल इसलिए आपको जानना जरूरी है कि खोरठा की विशेषता क्या क्या है और किस विशेषता की वजह से किसको कैसे लिखा जाएगा। अब विशेषता जानने के पश्चात हम आने वाला क्लास में, आने वाले क्लासों में हम सिलेबस के अनुसार जो लिखी गई है सिलेबस जे टेट का, कि सिलेबस यद्यपि जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में भी है, इस सिलेबस के अनुसार आपको समझाने के पश्चात उसे लिखाया जाएगा। और लिखने के दौरान कुछ शब्द को हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि वो शब्द आपको याद आ जाए कि सर कहना क्या चाहते हैं। जैसे हम बोलेंगे सुपट, मतलब अस्पष्ट, गोटे झारखंड, पूरे झारखंड में, पटते उदाहरण, सैलेल मतलब इसलिए, इन शब्दों का प्रयोग लिखने में खूब होती है। इसीलिए हम बार बार कुछ शब्दों को बोल रहे हैं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो जाए। ठीक झारखंड छात्र भाई बहन, ओके।